वेलकम टू सर फुटबॉल दोस्तों, आज हम ISL 5 में एशिया कप से पहले क्या क्या हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर। पॉइंट्स को लीड कर रहे हैं बेंगलुरु FC 11 मैचों में 27 पॉइंटों के साथ। बेंगलुरु FC ने अभी तक एक भी मैच नहीं हारे हैं। उसके बाद है मुंबई सिटी FC 12 मैचों में 24 पॉइंटों के साथ। गोवा, नॉर्थ ईस्ट, जमशेदपुर और एलटी के टॉप 4 की लड़ाई में सबसे ज़्यादा सक्रिय है। इनके बीच पॉइंट्सों का फासला बहुत ही कम है। बॉटम 4 में है पुणे सिटी, केरला, दिल्ली और चेन्नई। रिकॉर्ड्स की बात करें तो सबसे पहला रिकॉर्ड तो है बेंगलुरु FC का 11 मैचों का अनबीटन रन। वही गोल्डन बुट के दौर में है फेरान कोरोमिनास 10 गोल के साथ सबसे आगे। उसके बाद है ओगबेचे और सुगु 9-9 गोल के साथ। हिदू विडिया और सुनील छेत्री के नाम है 5-5 गोल। फेरान कोरोमिनास और बार्थोलोमी ओगबेचे के वजह से ही FC गोवा और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फिलहाल 3 और 4 नंबर पर हैं। वही पुणे, केरला, चेन्नई और दिल्ली की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही। पुणे के नाम फिलहाल 12 मैचों में 11 पॉइंट है। वही बॉटम 3 के केरला, दिल्ली और चेन्नई को 12 मैचों में सिर्फ एक ही जीत मिला है। केरला 9, दिल्ली 7 और चेन्नई 5 पॉइंटों के साथ अंतिम स्थान पर है। ISL में अभी तक कुछ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स भी बन चुके हैं। बेंगलुरु FC के साथ सुनील छेत्री 150 से ज़्यादा एपीरियंस बना चुके हैं। वही फेरान कोरोमिनास छू चुके हैं 28 गोलों का ISL हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गोल, जो इससे पहले इयान हुम के नाम था। मुंबई सिटी के मोडुसुगु भी अपने नाम एक रिकॉर्ड बना चुके हैं। केरला ब्लास्टर के विरुद्ध 4 गोल दागकर वो पहले खिलाड़ी बने हैं जो ISL हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया था। 5 गोलों से दर्दनाक हार के बाद डेविड जेम्स को कोच के पद से केरला ब्लास्टर ने हटा दिया था। अभी केरला ब्लास्टर के कोच है पूर्व नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड कोच नीलो भेंगाडा। इस ISL में कुछ शर्मनाक केसेस भी दिखाई दिए हैं। जमशेदपुर FC के गौरव मुखी का एज फ्रॉड केस, जो कि सबसे ज़्यादा वितर्कित रहा। आज के इस ISL वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए।